से। ये तो कुछ दिन में पहाड़ कट कट के कट कट के ये तो भर जाएगा सारा, पूरा सैलाब हो जाएगा, फिर तो इतनी नीचे वाला मंदिर तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, अभी आपने ये जो मंदिर देखा है ना, ये अभी बाद में बना हुआ है, जो पुराना मंदिर है वो तो नीचे गया, नीचे डूब चुका है, जिसे जटाशंकर बोलते हैं। जब हम भी बहुत छोटे छोटे थे तो हम यहाँ पर चिल्लर बटोरने आते थे, जब पंजी दस्सी चलती थी, और उस समय ये प्लेटफॉर्म के हिसाब से तो करीब जहाँ से नीचे से है उससे तो नीचे करीब 20-30 फुट गहरा हो और जी और गहरा था। और इस मंदिर का जो पुराना रास्ता है, तो ये नहीं है जिससे अपन आ रहे हैं, ये रास्ता इस मंदिर का है पुराना, तो 1929 सामने देखिए बोर्ड लगा हुआ है, ये इस मंदिर का पुराना रास्ता है। और इस रास्ते में मिलते हैं देखने के लिए 5 स्पॉट, जिन्हें बोलते हैं बिंद्रावन, जम्मू द्वीप, छोटा महादेव, टाइनम पुल और बीफॉल। बीफॉल आप लोग गाड़ी से जाएंगे या गए होंगे, ये उसका पैदल मार्ग है। जाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है, प्लस एक गाइड होता है जो उनसे लेकर जाता है ट्रैकिंग कराते हुए। और जितना पैसा आपने गाड़ी में खर्च किया ना सर, अगर आप ट्रैकिंग करेंगे तो आधे पैसे में आपकी ट्रैकिंग भी होगी और उससे 10 गुना ज़्यादा मज़ा आपको इस जंगल में आएगा। लेकिन और देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि ये जो आप मंदिर देखने आए, इस मंदिर को किसी ने बनाया नहीं है, ये प्राचीन मंदिर है और ये सिर्फ पानी के कटाव से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये मेरे बताने से नहीं सर, इन पर्वतों को आप जो देख रहे हैं तो इन पर आपको ये कुछ छोटे छोटे रॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना सर, सेडिमेंट पानी से कट जाता है, ये पानी से कटता है, बिल्कुल टूटता नहीं है, वजरी टूटता। हाँ, और कभी आज से हजारों वर्ष पहले इस जगह से पानी गुजरा करता है। तो जो वाटर लेवल आपको इस पर्वत पे मिलेगी देखने के लिए, वही से हम सामने देखें तो आमने सामने ये पानी का लेयर्स बताता है, वाटर लेवल, कि यहाँ से पहले पुराने समय में किस स्थिति में यहाँ से पानी बहा करता था। ज्यादा बारिश होती होगी तब ये जहाँ खड़े ना ये सब डूब जाता है, डूबा हुआ था। हाँ, और ये सीढ़ियाँ जो देख रहे हैं ना ये भी डूब जाती है। कल जो बारिश हुआ था ना तो जो पंचमढ़ी का सबसे सुंदर वाटरफॉल है बीफॉल, वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि जहाँ आप खड़े ना इसी जगह पे ऊपर से झरना गिरता है। और उस समय नहीं, पर्यटक आते हैं कब तक, जब तक ये मंदिर नहीं डूबता है, और जैसे ही ये डूबता है तो फिर आना बंद कर देते हैं। अच्छा, भी एक चीज, पानी के नदी से कुछ निकलता था कि ये पंचमढ़ी नहीं है, ये एक समुद्र है जहाँ आप घूम रहे हैं जी। तो ये मेरे बताने से नहीं, उन पर्वतों को देखने से पता चलता है। हाँ, ये पहले नदी थी पूरी पंचमढ़ी, ज्वालामुखी के फटने के कारण से सिटी का पानी बाहर निकल गया, पानी के बीच में जो रेत होता है ना बालू, उससे ये पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ये कैसे पता चलता है, इन पत्थरों को देखिए, ये हमेशा नदी, तालाब, समंदर के किनारे पाए जाते हैं। हाँ, इन्हें सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं, ये वाटर लेवल बताता है कि पंचमढ़ी में पहले कितना पानी था। तो नीचे से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ना, तो ये पूरा पानी से डूबा था पहले, जी। जैसे कि आपने सुन उतारा ना, वो दुकानदार से बोले लहसुन लेना, उस लहसुन का
गुफा में 15-20 लोग फंसे ऐसे ही अंदर चल चले गए, पानी भरता चला गया, वो भीतर बढ़ चले गए। बड़ी मुश्किल बड़ी। एक बार एक मंदिर पे, हमारे गांव के मंदिर पे बाबा जी पानी बना रहे, वो कीड़े आप खुद बोलेंगे, मैंने आपसे बोला ना आपका पैसा पूरा दरार देगा ना, करते ऊपर से एकदम मलबा बैठेगा वो इसको फैलाएगा, ये इधर का ये वाला। तो हमारे यहाँ से डबल रेट है, ये सर का है ना, और नींबू ओरिजिनल गणपति वाटर है, मुझे अर्धा गणपति जो अपन फोटो काटते हैं वो तेरा है, जैसे डोड़ा भी है ना, डोड़ा भी है ना। पत्थर होता है एक, अरे यहाँ पे भी मिल रहा है सब, कोई जरूरी नहीं वही मिल रहा है।